खबर राजधानी के बस्सी से है, जहां छात्र संघ चुनाव में मतगणना के बाद पथराव मामले में पुलिस ने 6 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, स्थानीय नेता बाबूलाल मीणा, खाडरिया जगदीश बांडिया कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने पहुंचे, जिन्होंने हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने की मांग की। वही मांगे नहीं मानने पर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस कर्मियों पर युवक की पिटाई का आरोप भी लगाया। हालांकि सभी 26 छात्रों को जमानत के बाद रिहा किया गया, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है।